अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाए हैं आपके लिए छोलों की रेसिपी। ये छोले आप भटूरों के साथ खा सकते हैं और आप चाहें तो इसे चावलों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हमारी रेसिपी से अगर छोले बनाएंगे तो हमें उम्मीद है आपके तमाम घर वालों को ज़रूर पसंद आएंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसके लिए किस सामग्री की ज़रूरत होती है। ये हमने तकरीबन 300 ग्राम वाइट वाले चने लिए हैं, जिनको छोले भी कहते हैं। रात भर हमने इनको भिगो दिया था। ये हमने लिया है एक टेबल स्पून तकरीबन धनिया, हाफ स्पून लिए हैं हमने हल्दी और एक चुटकी तकरीबन लिए हमने मिर्च। गरम मसाले हैं हमारे कुछ 10-12, ये काली मिर्चें हैं, 4 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी और 2-3 तेज़पात, 100 ग्राम करीब रिफाइंड ऑयल है, थोड़ी सी सौंफ और ज़ीरा है। ये बेकिंग पाउडर है, ये सोडा भी कहते हैं। ये नमक है स्वाद अनुसार। ये 2 प्याज ली थी हमने, जिन्हें बारीक बारीक काट लिया है। 2 टमाटर जिनकी हमने प्यूरी बना ली है। ये 4-5 हरी मिर्च है। 3 चम्मच ये छोले मसाला है। अदरक का एक बड़ा टुकड़ा लेकर उसको बारीक बारीक काटा है। ये कसूरी मेथी है और ये हींग है भगा के लिए। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। ये हमने कुकर में ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसमें प्याज जो हमने बारीक बारीक काटी थी उसको फ्राई कर लेंगे। ये हमारी प्याज अब फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम ऑयल में तेजपात डाल देंगे, इसको थोड़ी देर फ्राई होने देंगे। इसके बाद जो प्याज हमने फ्राई की थी उसको हमने मिक्सर में क्रश कर लिया है। अब उसे ऐड करेंगे। फिर हमारी ये टमाटर की प्यूरी थी इसको ऐड कर देंगे। थोड़ी देर इसी तरह पकने देंगे। अब इसने हल्का हल्का तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ा सा हम पानी भी डालेंगे। फिर इसको अच्छी तरह से जब तक हमारा मसाला भुन रहा है हम अपने ये गरम मसाले और सौंफ भून लेंगे आग पर और फिर इसे पीस लेंगे। हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है, जिसका मतलब है ये अच्छी तरह का है। अब हम इसमें छोले ऐड कर देंगे और ये 2 हरी मिर्चें और थोड़ी सी अदरक। ये वो गरम मसाले हैं जिन्हें हमने भूनकर पीस लिया है। नमक और थोड़ा सा
बेकिंग सोडा। अब इसमें पानी डालकर इसको तकरीबन 8-10 विसल तक पकने देंगे ताकि ये हमारे अच्छी तरह से गल जाए। देखिए तकरीबन 8 सीटियों में ये हमारे चने बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम इसमें ये छोला मसाला जो हमने गर्म पानी में घोल लिया है इसमें मिला देंगे। इसमें हम ये कसूरी मेथी भी क्रश करके डाल देंगे और थोड़ी देर इसे इसी तरह पकने देंगे। अब इसमें सिर्फ बघार लगाना यानी चौंकना बाकी रह गया है। अब हम अपने छोलों में हींग, हरी मिर्च, अदरक का चॉप लगा देंगे। ये हम छोलों में छौंक लगा देंगे। लीजिए तैयार हैं हमारे स्वादिष्ट छोले। इन छोलों को आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं और भटूरों के साथ, लेकिन छोलों का असली मज़ा तो भटूरों के साथ ही है। आपके घर वालों को ज़रूर हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।